नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट टू वीडियो में। क्योंकि अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है बिजनेस के लिए आपको कौन सी आर्ट अच्छे की लेना चाहिए, तो पहले आप हमारे चैनल पर जाकर पार्ट वन देख सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं पार्ट टू वीडियो में कि आपको 14 इंच या 16 इंच आटा चक्की में से कौन सी आटा चक्की लेना चाहिए। क्योंकि हमने पार्ट वन वीडियो में आपको 10 इंच 12 इंच दोनों आटा चक्की के बारे में जानकारी दे दी थी। अब हम जानते हैं 14 इंच या 16 इंच आटा चक्की में से आपको कौन सी आटा चक्की लेना चाहिए बिजनेस के लिए। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, फुल वीडियो वॉच करें, तभी आपको हर एक जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए हम जानते हैं कि 14 इंच आटा चक्की सिंगल फेस आटा चक्की अगर आप बिजनेस के लिए ले सकते हैं या नहीं। तो 14 इंच आटा चक्की आपको एक घंटे में 30 से 35 केजी आटा निकाल के देती है। तो अगर आप बिल्कुल 14 इंच आटा चक्की अगर आप एक छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए लेना चाहते हैं, तो यह एक मीडियम आटा चक्की होती है जो आप बिल्कुल बिजनेस के लिए ले सकते हैं। सिंगल फेस आटा चक्की में 14 इंच आटा चक्की एक मीडियम आटा चक्की मानी जाती है। तो अगर आप ग्राहक का 40 केजी आटा पीसते हैं तो आपको एक घंटे 10-5 मिनट समय लग सकता है जो 40 केजी आटा पीसने के लिए। तो आप 14 इंच आटा चक्की बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप 14 इंच आटा चक्की की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 16 इंच आटा चक्की लेना चाहते हैं, सिंगल फेस आटा चक्की होती है, अगर आप बिजनेस के लिए 16 इंच आटा चक्की लेना चाहते हैं, तो आप 16 इंच आटा चक्की बिल्कुल भी ले सकते हैं। क्योंकि 16 इंच आटा चक्की आपको एक घंटे में बड़ी ही आसानी से 40 केजी आटा निकाल के दे सकती है। तो आप 16 इंच आटा चक्की बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि ग्राहक को अगर आपके पास 40 केजी आटा पिसवाने के लिए एक घंटे का समय लगता है, तो आप 16 इंच आटा चक्की की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि 16 इंच आटा चक्की 40 केजी आटा एक घंटे में आराम से पीस देती है, इससे ज़्यादा भी पीस सकती है। अगर आप एक आटा चक्की बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप 14 इंच आटा चक्की जो एक मीडियम आटा चक्की होती है, तो आप सिंगल फेस आटा चक्की तो आप उससे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी आटा चक्की लेना चाहते हैं जो कि सिंगल फेस में एक बड़ी आटा चक्की लेना चाहते हैं, तो आप 16 इंच आटा चक्की की तरफ जा सकते हैं। 16 इंच आटा चक्की को लेकर आप एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि 16 इंच आटा चक्की के साथ अगर आप एक छोटा बिजनेस शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि यह एक सिंगल फेस आटा चक्की होती है जो आपके घर के कनेक्शन पर भी चलती है और आपको एक घंटे में अच्छा खासा आटा निकाल के दे सकती है। तो आप 16 इंच आटा चक्की बिजनेस के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मीडियम आटा चक्की लेना चाहते हैं तो आप बिजनेस के लिए 14 इंच आटा चक्की भी ले सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 10 इंच 12 इंच 14 इंच या 16 इंच आटा चक्की लगवाने में आपका टोटल कुल कितना खर्च आएगा, तो आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि 16 इंच आटा चक्की लगवाने में आपका टोटल कितना खर्च आएगा, 14 इंच आटा चक्की लगवाने में आपका टोटल कितना खर्च आएगा, और बाद 12 इंच आटा चक्की लगवाने में आपका टोटल कुल कितना खर्च आएगा, तो आपको सभी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।